सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोगों को पता ही होगा सावन स्टार्ट हो गया है, तो फोटो एडिटिंग तो करना बनता ही है गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लेट्स गो। तो गैस चलते हैं पिक्चर की तरफ और पिक्चर ओपनिंग कर लेते हैं। तो गैस आज कुछ खासा एडिटिंग होने वाला है, सावन फोटो एडिटिंग। तो गैस चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको पिक्चर ओपनिंग करना है। तो पिक्चर ओपनिंग करने के बाद क्या करना है गैस, आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को ऐड करनी है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो हमारा जो बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड है, तो मैं ये वाली बैकग्राउंड की लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है गैस, थोड़ा मैं लाइट बढ़ा लेता हूँ। तो गैस हमारा जो बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। तो गैस थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा साइड में सॉन्ग बज रहा है, पता नहीं लोग कितना सॉन्ग सुनते हैं लोग, तो माफ़ करना गैस। तो चलते हो यहाँ इस पर फोकस करते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ओपन करने के बाद क्या करना है, अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करना है, जिस भी फ़ोटो को आपको एडिट करना है। तो अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैंने पोज यहाँ पे लिया है, हमारा दोस्त थे, ठीक है। तो सोचा चलो मैं अपने दोस्त का फ़ोटो यहाँ पे एडिट करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे पहले से ही पूरा माला वाला पहना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ़ोटो मैं एडिट करने वाला हूँ। तो गैस देख सकते हो पहले से मैंने कट किया है, अगर आपको कट नहीं करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो गैस हमारा देखते हो फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है, सब आपको फिर से आना ऐड फोटो में, और यहाँ पर अपना हेयर स्टाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरी हेयर स्टाइल मैंने बनाया हूँ, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो वैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट थोड़ा थोड़ा फालतू पार्ट जो दिख रहा है उसको मैं इरेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो वैसे आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ PNG लगाना है। तो चलते हैं ऐड फोटो में, तो अपनी फाइल में आ जाते हैं। और ये चिलम का PNG है, जो कि बाबा का बहुत ज़्यादा प्रसाद ये बेटर होता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बट यहाँ पे मैंने PNG बनाया हूँ, मैं उसी को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो चलते हैं ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ये वाली फाइल में, तो मैंने पहले से PNG बनाया हूँ, इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थोड़ा माफ़ करना गाइस, बहुत ज़्यादा ये लोग गाना सुनते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ऐड करूँगा गाइस, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑपेसिटी को कम करना है, और यहाँ इरेजर पे क्लिक करके इसको इरेज कर लेनी है। तो गैस हमारा जो यहाँ पे चिलम है जो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गैस, यहाँ पे ऑपोजिटिव को बढ़ा लेंगे। तो बस आप देख सकते हो तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो आप क्या करना है, यहाँ से कर देते हैं डन, और डन करने के बाद फिर चलते हैं ऐड फोटो में। सारा मैं PNG यहाँ पे आपको दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है गैस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया, तो उसके बाद स्मोक के सेट करूँगा 2, और ये सेट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो कुछ इस तरीके से स्मोक सेट करना है, और यहाँ इरेजर पे क्लिक करेंगे और ये फालतू इरेज कर लेंगे। तो एक सेट हो गया गैस, और ये लिप PNG को मैं यहाँ पे भी ऐड करने वाला हूँ, ये फेस के पास रहेगा ताकि लगे कि भाई साइड से निकल रहा है। इरेजर पे क्लिक करूँगा और फालतू पार्ट को हटा दूँगा। तो वैसे अब देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गैस हमारा जो अच्छे तरीके से स्मोक है सेट हो चुका है। तो फिर चलते हैं ऐड फोटो में,
आपको सारा ही PNG लगा के अच्छी तरीके की फ़ोटो मस्त वाली एडिट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वाली छूट को मैं ले लूँगा, और लेने के बाद यहाँ से कर लेंगे ऐड। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद क्या करना है, आपको ब्लर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड पे आपको लिखेगा ब्लर, आपको इसको क्लिक कर लेना है। उसके सेटिंग में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ब्लर जो लिखा हुआ है इसको आपको कम कर देनी है। तो थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, बस यहाँ पे 9 रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद इसको तो बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे सेट कर दूँगा। और सेट करने के बाद क्या करना, थोड़ा ऑपेसिटी को कम करेंगे, इरेजर पे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, साइज़ को छोटा कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे कट। तो गाइस हमारा जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे कट हो चुका है, तो यहाँ पर सेट भी हो गया है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। ऑपोजिटो को बढ़ा देते हैं, ठीक है, देख सकते हो इसी तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और फिर से जाते हैं ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के लिए फिर से आपको आ जाना है अपनी फाइल में। उसके बाद ये वाली स्मोक ले लेनी है, बट स्मोक का भी काम नहीं है, बट ये वाली भी लेंगे। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो सबसे पहले टीका को मैंने यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेट कर देनी अच्छी तरीके से गाइस, थोड़ी सी बैंड कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे सेट करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ थोड़ी सी ऑपोसिटी को कम कर लेनी है, और कम करने के बाद यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ साइड वाला जो दिख रहा है इसको इरेज कर देनी है। तो बस आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, बस ऑपोजिटिव को आपको 80 रखना है, ठीक है। उसको सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, और ये ले तो ऐसे करके घुमा देंगे, ऐसे करके, सॉरी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा देनी है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर देनी है, ठीक है। और सेट करने के बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद और ये ली मैं स्मोक ले लूँगा। स्मोक लेने के बाद ये करना है सारा तो कर लिया, और ये बचा हुआ एक लाइट बचा हुआ है। तो तीन में एक बार ही मैं सारा चीज़ हमें ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो सारा चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड करूँगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर जाएंगे ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और स्मोक को हम यहाँ पर सेट करेंगे। थोड़ा सा स्मोक यहाँ पर रहेगा। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट पे ले लेंगे, तो ये महाकाल, इसको पहले लाइट सेट कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और इसको कुछ इस तरीके से आपको ऐड कर देनी है, ऐसे कुछ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इरेजर पर क्लिक करना है, थोड़ा सा देख रहे हैं फेस पर हल्का हल्का हटा देनी है, बस हल्का शैडो टाइप की बनानी है, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है, थोड़ा इसको मैं ऑपोजिटिव को कम करने वाला हूँ। तो यहाँ से ऑपोजिटिव को थोड़ा कम कर लेंगे। तो वैसे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और लास्ट में यहाँ पे जो है महादेव वाला, तो मैं यहाँ से कर लेते हैं पहले डन, और डन करने के बाद सेकेंड पार्ट में जाऊँगा। और सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा देख सकते हो यहाँ पे बच गया, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ, माफ़ करना, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ गाइस, थोड़ा माफ़ करना गाइस, फिर से उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस माफ़ करना भाई। तो यहाँ से मैं इस लाइट को सेट कर लेता हूँ, ये महाकाल का सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको ही सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांडिंग मोड में जाएंगे, स्क्रीन कर लेंगे, और सेम वही करना है जो बताए थे। तो ऐसा वो कर देनी है, ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। इरेजर पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेंगे, और यहाँ से कर लेते हैं डन, थोड़ा ऑपोसिटी को बट कम कर लेंगे, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद बस लास्ट PNG है जो कि मैं उसको ऐड कर लूँगा बस। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बस यहाँ पर महादेव का ये वाली है, तो इसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा।
तो गाइस आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी यहाँ पे ना मस्त लेबी सी लग रही है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस आप देख सकते हो सारा सी मतलब जितना PNG मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है कलर सेटिंग, ठीक है गाइस। तो कलर सेटिंग करने के लिए कहाँ जाना है आपको पता ही होगा, लाइट रूम के अंदर जाना है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेते हैं, सबसे पहले सेव चलते हैं ड्रा टूल में, और ड्रा टूल में जाने के बाद यहाँ पे टिन डॉट पे क्लिक करेंगे और सेव इमेज पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेंगे सेव। तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ, वहाँ पे कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो गाइस हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, तो यहाँ से कर लेंगे अपने फ़ोटो को ऐड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो को ऐड करनी है, थोड़ा यहाँ टाइम लगता है बट ओपन हो जाता है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अपने फ़ोटो को यहाँ ढूंढ लेते हैं गाइस कहाँ है, तो कहीं यहीं कहीं होगा। तो हमारा जो फ़ोटो है कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये ली फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ, शायद यही है ना, पहले से मैंने फ़ोटो कट करके सेट किया था, देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो हाँ गाइस मेरा फ़ोटो ये सही निकला, यही है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले लाइट पे क्लिक करना है, और लाइट पे क्लिक करने में थोड़ा हाईलाइट को यहाँ देख लेंगे, तो थोड़ा हाईलाइट को यहाँ बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद शैडो, तो थोड़ा शैडो को यहाँ देख लेंगे, थोड़ा शैडो को यहाँ बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ वाइट बैलेंस को थोड़ा कम कर लेंगे, ब्लैक ब्लैक को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक, लाइट पे क्लिक करते हैं, इस पर कलर पे, और उसमें मिक्स पे क्लिक कर लेंगे। मिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा यू को देख लेते हैं, तो यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कम कर देंगे सॉरी गाइस। उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देंगे गाइस। लुमियंस, तो लुमियंस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ब्लू टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ली यू को कम कर देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, लुमियंस, तो लुमियंस को भी थोड़ा सा मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 5% रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे येल्लो टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा यू को आपको यहाँ पे कम कर देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, लुमियंस को देख ले, लुमियंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। लुमियंस को बढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा लुमियंस को यहाँ पे बढ़ा देनी है, ताकि जो फेस है अच्छे तरीके से थोड़ा गोरा हो जाए। तो यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ गाइस, तो मेरा जो फेस है देख सकते हो कितना अच्छे से गोरा हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सैचुरेशन को ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वाइब्रेंस को, तो यहाँ पर क्या करना है वाइब्रेंस को भी हल्का सा यहाँ पर बढ़ा देनी है, ताकि जो येल्लो टोन मिले मस्त वाली गाइस, देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं, क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद थोड़ा वाइब्रेंट को यहाँ पे कम कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा साफनेस को बढ़ा लेनी है, और यहाँ पे फेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा नॉइस को बढ़ा लेंगे, ताकि जो फेस अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा 50 कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 50 कर लेता हूँ, और ये कलर नॉइस को बढ़ा लेते हैं, तो इसको भी मैं 50 कर लेता हूँ, दोनों 6 में रखूँगा। तो गाइस हमारा जो सारा काम हो चुका है, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है गाइस। तो यहाँ देख सकते हो, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो पिक्सार में मैंने कैसे एडिट किया था, उस टाइम ऐसा लग रहा था, और लाइट रूम में आने के बाद देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है गाइस, तो आपको फोटो को थोड़ा सेव करना है, ठीक है। तो आपको टिन डॉट पर क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक करके, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव। तो यहाँ से कर लेंगे ओके, तो हमारा जो गाइस फोटो है सेव हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है बट सेव हो जाएगा, अच्छे फुल HD में सेव होता है। गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है सेव हो गया। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, और ये वाली जो फोटो एडिट कैसा लगा और ये भी बताना कॉमेंट बॉक्स में। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस, ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।